हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्योंकि इस समय क्या है, करीब करीब एक महीना ही मान लीजिए, क्योंकि क्या है, कुछ न्यू ईयर मनाने में बीत जाएगा, कुछ मकर संक्रांति मनाने में, और कुछ वैलेंटाइन डे तो 14 तारीख बाद में है, 11 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, तो मेनली 30 दिन मान के चलते हैं, उसमें क्विक तैयारी करेंगे हम लोग। आज जो क्लास है हमारी हिस्ट्री की, आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रचार, प्रचार या प्रसार कहें, प्रचार मिशनरियों द्वारा हुआ, ब्रिटिशर्स काल की बात करेंगे हम। बाकी तो शिक्षा व्यवस्था क्या है इंडिया की, प्राचीन काल से ही रही है, लेकिन आधुनिक शिक्षा जो रही है मॉडर्न इंडिया, उसकी बात करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, भारत में जो शिक्षा प्रचार के सबसे पहले प्रयास किया गया एज ए गवर्नर जनरल, वो किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा बनाकर। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी क्या है, डच ईसाई मिशनरी भी आई थी, और इस मिशनरी में थे एक डेस मिसिंडी। ठीक है, डेस मिसिंडी द्वारा सबसे पहले भारत में शिक्षा का प्रसार किया गया, जो डच बस्ती थी कहां, सीरमपुर कलकत्ता में, वहां पर बसे। ठीक है, तो उनके द्वारा शिक्षा का प्रसार किया गया, आधुनिक शिक्षा का सबसे पहले। लेकिन एज ए गवर्नर जनरल 1781 में क्या है, 1781 में मदरसा की स्थापना की गई कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, सिर्फ गवर्नर कहेंगे, गवर्नर जनरल बाद में आएगा। ठीक है, अभी क्या ये लोग बंगाल के क्या है, गवर्नर हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स है ना, ये सब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। ओके, लेकिन इसके भी पहले क्या है, एक धार्मिक पुस्तक की सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था, कब याद रखेंगे, 1776 में। पुस्तक का नाम था इंग्लिश में क्या, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है, ए कोड ऑफ जेंटू, हिंदी में लिख देते हैं जेंटू लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवादित होने वाली पुस्तक थी, इंग्लिश में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज इसका नाम रखा गया। और वह पुस्तक कौन सी थी, जाहिर सी बात है लॉज की बात हो रही है, तब इंडियन कल्चर में सबसे लॉज वाली पुस्तक किसे माना जाता है, मनुस्मृति को। ठीक है, तो मनुस्मृति पहली पुस्तक थी जो क्या है, जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से क्या है, अंग्रेजी में अनुवादित की गई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, भारतीय शिक्षा शास्त्र जो थे उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके क्या प्रचार करने के लिए, किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स द्वारा। ठीक है, और उनके साथी थे कौन, विल्किंस। ओके, तो उनके साथी थे कौन, विल्किंस। ये दो लोग थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, विलियम जोन्स और विल्किंस। और इस सोसाइटी द्वारा जो सबसे पहले इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में पुस्तक अनुवादित की गई, वह विल्किंस द्वारा की गई। और विल्किंस द्वारा जो अनुवादित पुस्तक थी इंग्लिश में, उस पुस्तक का क्या नाम था, श्री कृष्ण की भगवद, भगवद गीता होता है, याद रखेंगे वर्तनी हिंदी में काम है, भगवत गीता नहीं होता, भगवद होता है, और उस पर क्या है, हलंत होता है, भगवद गीता। ठीक है, तो भगवद गीता की जो सबसे पहले इस सोसाइटी द्वारा क्या अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अनुवाद किसका होता, मनुस्मृति का, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। विलियम जोन्स द्वारा भी दो पुस्तकों को क्या है, इंग्लिश में अनुवादित किया गया,
सबसे पहला कौन, इनके द्वारा कालिदास की फेमस रचना है कौन सी, बहुत सारी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी ग्रंथ होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। और एक और पुस्तक अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था किसकी, गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद। तो ये दो पुस्तक विलियम जोन्स द्वारा अनुवादित की गई, और सबसे पहले अनुवादित की गई इस सोसाइटी द्वारा भगवत गीता विल्किंस द्वारा, याद रखेंगे इसको। ठीक है, हालांकि मनुस्मृति की भी 1792 में इसके सदस्यों द्वारा अनुवादित की गई अंग्रेजी में, मनुस्मृति 1792 में। ठीक है, 1792 में सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अनुवादित की गई थी मनुस्मृति, मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति नहीं याद रखें, लेकिन बाकी ये दो नाम याद रखेंगे। तो इसी क्रम में, प्रसार के कसम क्रम में, 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा, उस वक्त के ब्रिटिश रेजिडेंट, बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट के जो अध्यक्ष थे, कौन थे, जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन। ठीक है, बनारस ब्रिटिश रेजिडेंसी के अध्यक्ष जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में क्या है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1792 में की जाती है। ठीक है, अगली बात करें हम किसको, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जो इसका है आधुनिक शिक्षा का प्रसार का सबसे पहले अंग्रेजी में प्रसार सबसे पहले बात की आधुनिक शिक्षा के, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, और इन्हीं के द्वारा क्या सबसे पहले आधुनिक शिक्षा के प्रसार की बात की गई थी। ओके, ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि 1800 में, ठीक है, दो कॉलेज की स्थापना की जाती है, लॉर्ड विलियम कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, इसमें जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम में स्थापित किया जाता है किस लिए, जो कंपनी के असैनिक अधिकारी है यानी आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज वाले। ठीक है, इसकी स्थापना गवर्नर जनरल विलेजली द्वारा की जाती है, हालांकि 1802 में क्या है इसे फिर बंद कर दिया जाता है, विलेजली द्वारा स्थापित की जाती है, और यह किसके लिए था, असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए। ठीक है, असैनिक अधिकारी के लिए थी यानी आईसीएस अधिकारी। 1802 में बंद हो जाता है, लेकिन क्या फिर 1806 में हेल्सबरी लंदन में क्या है प्रशिक्षण कॉलेज वहां खोला जाता है। ठीक है, भारत में ना होकर क्या 1806 में हेल्सबरी लंदन में, लेकिन 1853 में फिर क्या प्रशिक्षण कॉलेज 1853 वाला, फिर प्रशिक्षण यहां पर भी बात होती है 1853 में, बाद में हमने बात की थी उसमें जब संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना फोर्ट विलियम में वेलेजली द्वारा 1800 में की जाती है, कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, असैनिक अधिकारियों से शिक्षा रिलेटेड था, 1802 में हालांकि बंद भी हो जाते हैं, ये याद रखेंगे फैक्ट सारे। एडम स्मिथ रिपोर्ट, एडम स्मिथ रिपोर्ट किस लिए गठित की गई थी, कि जो 1813 के समय जो शिक्षा के प्रसार की बात की गई थी, क्या बात की गई थी 1813 में, 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू हमने क्या बात की थी जब ऐतिहासिक विकास की बात कर रहे थे, तो कि 1,00,000 का बजट शिक्षा के लिए रखा गया था, तो उसी की जांच के लिए क्या है एडम स्मिथ आयोग का गठन किया गया था। इसने रिपोर्ट दी अपनी समय समय पर 32 में, 34 में, 36 में, 1836, 32, 34 में। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बैंटिंग, विलियम
विलियम बैंटिंग, याद रखेंगे सब, ठीक है। तो विलियम बैंटिंग और एडम स्मिथ आयोग की स्थापना की जाती है अपने कार्यकाल के दौरान 1813 की, जो शिक्षा व्यवस्था उस पर जांच के लिए, ठीक है, विलियम बैंटिंग द्वारा। इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे आम्रपाच विवाद की, ठीक है, लेकिन उसके पहले बात करते हैं क्या मैकाले की, ठीक है। विलियम बैंटिंग में विधि सदस्य जोड़ा गया था, एक 1833 का चार्टर एक्ट के थ्रू मैकाले विधि सदस्य के रूप में आया था, ठीक है। उसने क्या कहा था कि जितनी भी यूरोपीय अलमारी हैं उसकी एक भी एक क्या है तकिया तमाम भारतीय अंध भारतीय किताबों से क्या साहित्यों से अच्छी हैं, ठीक है। उसने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति में क्या है अंधविश्वासों का भंडार है, ठीक है, ओके। तो अंग्रेजी में भारत में शिक्षा प्रसार हो इसके लिए क्या है एक आम्रप्राच्य विवाद उत्पन्न होता है विलियम बैंटिंग के समय, ठीक है। कुछ दल क्या है प्राच्य दल यानी कि प्राचीन जो भारतीय रीति रिवाजों से शिक्षा थी उसके पक्ष में थे, कुछ लोग क्या है अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया जाए उसके पक्ष में थे, ठीक है। तो ये लोग कौन थे, ये लोग वे थे जो लोक शिक्षा समिति गठित की गई थी 1823 में, उसके सदस्य थे, ठीक है। इसमें टोटल 10 सदस्य थे, तो इसमें से कुछ सदस्य क्या थे प्राच्य दल और आम्ल दल, दो भागों में बढ़ गए। तो प्राच्य दल में थे एसटी प्रिंसेप, विल्सन और ट्रेवेलियन। ये क्या चाहते थे कि जो शिक्षा व्यवस्था अभी तक भारत में है भारतीय रीति रिवाजों से दी जा रही है उसी में बनी रहे, ठीक है, ओरिएंटल उसी भाषा में देसी भाषा में, ठीक है। लेकिन जो आंग्ल दल था जो अंग्रेजी को माध्यम बनाना चाहता था शिक्षा का, उसमें कौन कौन लोग थे मैकाले, मुनरो, एलिफिस्टन, ठीक है, इवन राजा राम मोहन राय भी थे, ठीक है। बात करेंगे हम समर्थन में थे इस दल में नहीं थे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और बैंटिंग भी क्या था इंग्लिश शिक्षा के पक्ष में था, याद रखेंगे सब, इंग्लिश माध्यम शिक्षा में, ठीक है। इसी विवाद में क्या है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, शिक्षा का अधो निष्यंदन सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा मैकाले द्वारा, मतलब भारतीय समाज के कुछ लोगों के लिए क्या था इंग्लिश में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसका मानना था क्या कि भारतीय समाज का जो उच्च वर्ग है जो पढ़ा लिखा है उसे पहले क्या है इंग्लिश शिक्षा इंग्लिश में शिक्षा दी जाए, तो क्या है वह शिक्षा नीचे क्या छन छन करके नीचे तबके तक भी पहुंचेगी, कैसे लोग उसे देखेंगे इंग्लिश बोलते हुए पढ़ते हुए समाज में स्थान रखते हुए, ठीक है। तो इससे क्या होगा शिक्षा व्यवस्था क्या है निचले तबके तक भी पहुंचेगी, इसे क्या बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन थ्योरी या वी प्रवेशन सिद्धांत या अधो निष्यंदन का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत को हालांकि मैकाले के समय प्रस्तुत हुआ लेकिन लागू किया ऑकलैंड ने एक सरकारी नीति के रूप में कब 1842 में, ओके। तो कब लागू किया गया याद रखेंगे, विप्रेशन सिद्धांत किसके समय आया ये भी याद रखेंगे, दो श्रवण देकर पूछा जा सकता है, ठीक है। मैकाले मिनट कोई खास वजह नहीं थी, सिर्फ एक डेट थी जो मैकाले मिनट मैकाले ने दी थी, बात की थी इसकी, ठीक है, 2 फरवरी 1835 को, डेट याद रखेंगे मैकाले मिनट एक डेट थी 2 फरवरी 1835। तो इस तरह आम्रप्राच्य विवाद होता है, ठीक है। और बाद में क्या है कहावत भी है कि 1835 में अंग्रेजी भारत में और 1853 में उल्टा रेल भारत में, ठीक है। तो 1835 में क्या है अंग्रेजी भारत में क्या है अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को मान ली जाती है, ठीक है, 1853 में रेल आई थी। और अभी तक जो फारसी लैंग्वेज में क्या है राजकीय कारकाज कामकाज हो रहे थे फारसी को हटाकर अंग्रेजी कब बना दी गई
फारसी जब हक्का बटा दी गई, सरकारी राजकीय कामकाज से फारसी भाषा 1837 में, ठीक है। अब इसकी जगह क्या है भाषा हो गई अंग्रेजी। 1835 में ही क्या है, एक और फैक्ट है, 1835 में चाय बागान स्थापित किए गए भारत में, ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। 1837 क्या है, फारसी जो तक मुगलों द्वारा क्या है फारसी राजभाषा थी भारत की, वो अब क्या हो जाती है 1837 में अंग्रेजी। ओके, ये सारे फैक्ट्स हो गए हमारे प्राचीनता से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने उत्तर प्रदेश की रिलेटेड फैक्ट। उत्तर पश्चिम प्रांत जो आधुनिक यूपी आज कहते हैं हम, जो 1950 में बना उत्तर प्रदेश, पहले क्या कहता था, इस समय तक 1853-43 तक उत्तर पश्चिम प्रांत, 1935 में संयुक्त प्रांत कहलाता था, याद रखेंगे इसका नाम, 1950 में उत्तर प्रदेश के इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जेम्स टॉम्स मेशन, 1843 से लेकर कब 53 तक। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में या उत्तर पश्चिम प्रांत में क्या बात की कि जो ग्राम शिक्षा है वह क्या है देसी भाषा में दी जाए, किस भाषा में, देसी भाषा में, जैसे कृषि विज्ञान, इन्होंने कृषि विज्ञान की बात की, ठीक है, और क्षेत्र मिति की, सबको क्या कहा क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, एग्रीकल्चर साइंस, इसकी बात उन्होंने क्या की कि देसी भाषा में की जाए। ये नाम याद रखेंगे जेम्स टॉमेसन, यूपी के लिए फैक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कब कि भारत में क्या है इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए। सबसे पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पहला है याद रखेंगे। रुड़की कहाँ है, यूके में, उत्तराखंड में, ठीक है। 1847 या 48 है, 1847 इसको फैक्ट डेट को चेक कर लेंगे, आई थिंक 48 है या 47। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है, ठीक है, ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की। ओके, नेक्स्ट चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया जाता है कब, 1854 में। गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। चार्ल्स वुड कौन थे, कंपनी में दो बोर्ड थे बीओसी और सीओडी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो चेयरमैन था वह कौन था, बीओसी का ये क्या था चेयरमैन, चार्ल्स वुड, ठीक है, चार्ल्स वुड बीओसी का चेयरमैन। चार्ल्स वुड इस डिस्पैच को क्या कहते हैं, क्वेश्चन यूके में भी आया यूपी में भी आया, मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, क्या बोलते हैं इसको, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। और जो ये इनफिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले द्वारा दी गई थी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, इसको नकार दिया गया कि मतलब ऊपर के समाज के वर्ग को शिक्षा दी जाए, बुद्धिजीवी जो भी है। तो चार्ल्स वुड ने डिस्पैच ने क्या है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को नकार दिया था, ठीक है। देखते हैं इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, क्या क्या प्रोविजंस किए गए। यह जो लाया गया था मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए था, ठीक है, मुख्यतः यूनिवर्सिटीज के लिए था, यूनिवर्सिटीज एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसने सिफारिश की थी 3 जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना की, इसकी सिफारिश पर क्या है 1858 में 3 विद्यालय स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करता है, पहली बात करने की यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए लाया गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, ठीक है। 3 जगह कहां स्थापित किए जाएंगे, जो ब्रिटिशर्स की प्रेसिडेंसीज होंगी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो 1858 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में क्या है
विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। याद रखेंगे इसको, यूनिवर्सिटीज। ओके, और क्या बात किसने कि जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, वह किसमें दी जाए? इंग्लिश में। ठीक है, उच्च शिक्षा की बात की किसने? इंग्लिश में दी जाए। स्टेटमेंट सारे हैं। ओके, और ग्रामों की शिक्षा किसमें दी जाए? ग्रामों में जो शिक्षा दी जाए वो किसमें? देसी भाषा। ठीक है, देसी भाषा में पाठशाला स्थापित की जाए, देसी भाषा में। ठीक है, वहां एजुकेशन जो दी जाएगी देसी भाषा में। ओके, ओरिएंटल वर्नाकुलर कह सकते हैं। ठीक है, और क्या इसने बात की? इसने बात की महिला शिक्षा की, कि महिलाओं को भी शिक्षा दी जाए। इसने तकनीकी शिक्षा, ठीक है, टेक्निकल और व्यावसायिक, व्यावसायिक शिक्षा की भी क्या इसने सिफारिश की थी। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात की इसने। ठीक है, पांच प्रांत जो थे उसमें ब्रिटिशर्स के, ओके, प्रेसिडेंसीज, उसमें टीचर की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या एक पहले आयोग का भी स्थापना की गई, किसकी? शिक्षा आयोग। ठीक है, लोक शिक्षा आयोग याद रखेंगे। ठीक है, लोक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की जाती है? 1855 में। 54 में सिफारिश, 1855 में क्या है? लोक शिक्षा आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये मेन मेन प्रोविजंस थे वुड्स डिस्पैच के, इसीलिए क्या इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और याद रखेंगे इनफिल्ट्रेशन थ्योरी किसने नकार दिया था। ओके, ये सारे फैक्ट हो गए चार्ल्स वुड डिस्पैच से रिलेटेड। अगला जो कदम उठाया जाता है शिक्षा प्रसार के लिए गवर्नर जनरल रिपन के समय, गवर्नर जनरल रिपन बेहद उदारवादी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्थानीय पिता का कहा जाता है इनको, भारत में स्थानीय सुशासन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हंटर शिक्षा आयोग गठित की जाती है कब? 1882-83 में गवर्नर जनरल रिपन द्वारा। ठीक है, अब कंपनी का शासन नहीं है, अब किसका शासन है? ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन है वहां की सरकार का, राजा या रानी जो भी हो उस वक्त के। ठीक है, तो हंटर जो क्या था, आयोग की बात कर रहे हैं, इसमें आयोग लिखा है, यानी कि यह पहला भारतीय शिक्षा आयोग है। ठीक है, क्या है? पहला शिक्षा आयोग है, भारतीय शिक्षा आयोग। ओके, याद रखेंगे पहला भारतीय शिक्षा आयोग क्या है? हंटर आयोग है, ना कि वुड्स डिस्पैच। ये ठीक है, यह किस लिए था? यह प्राइमरी प्लस माध्यमिक शिक्षा के लिए था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड था हंटर शिक्षा आयोग। वुड्स डिस्पैच केवल यूनिवर्सिटी के लिए था, हंटर शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड था। और इन दोनों की शिक्षा किसने क्या कहा? निजी हाथों में दे दिया जाए, प्राइवेट की बात की, निजी। ठीक है, निजी निजी तो दी जाए, लेकिन ये भाषा एजुकेशन किसमें होनी चाहिए? देसी भाषा में। ठीक है, ऐसा नहीं निजी दिया तो इंग्लिश भाषा में दे दी जाए, निजी भाषा, निजी प्राइवेट हाथ में रहे और क्या देसी भाषा में रहे। और सरकारी नियंत्रण केवल कहां रहे? उच्च शिक्षा में। सरकारी नियंत्रण केवल हायर एजुकेशन में। ठीक है, और प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा से क्या है सरकारी नियंत्रण हटा लेते हैं, जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। ठीक है, तो ये सारे रिकमेंडेशन थे किसके? हंटर शिक्षा आयोग के। बात करें 1901 में शिमला शिक्षा आयोग, गवर्नर जनरल कौन है इसमें? लॉर्ड कर्जन। ठीक है,
तो हंटर शिक्षा आयोग की सिफारिश पर, सिफारिश के लिए 1901 में क्या है, शिमला शिक्षा आयोग लाया जाता है, ठीक है। इसी आयोग की सिफारिश पर क्या है, एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है 1902 में। क्या नाम था उसका, थॉमस रैले आयोग, ठीक है। 1902 में थॉमस रैले आयोग, ठीक है, थॉमस रैले आयोग, इसमें दो भारतीय भी नियुक्त किए जाते हैं। कौन कौन दो भारतीय हैं, जस्टिस गुरुदास बनर्जी और हुसैन बिलग्रामी, ठीक है। दो भारतीयों को भी अपॉइंट किया जाता, जस्टिस गुरुदास बनर्जी और हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, हुसैन बिलग्रामी, ये दो भारतीय भी थे किसमें, थॉमस रैले आयोग 1902, जो क्या था, शिक्षा पर था, शिक्षा के लिए, ठीक है। और इसी आयोग की सिफारिश पर क्या है, 1904 में क्या लाया जाता है, कौन सा अधिनियम शिक्षा से रिलेटेड ही, विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम लाया जाता है 1904 में, याद रखेंगे इसको, थॉमस रैले आयोग, शिमला शिक्षा समझौता से रिलेटेड साल में, ओके। अब हम क्या करें, नेक्स्ट क्या है, प्रोजेस भारतीय शिक्षा, जो तो यहां लिखा ही है, इसकी सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है। 1910 में भारत सरकार द्वारा क्या, शिक्षा विभाग स्थापित किया जाता है, ठीक है, अभी तक शिक्षा विभाग नहीं था, 1910 में शिक्षा विभाग स्थापित किया जाता है, ओके, ठीक है। कौन था गवर्नर जनरल इस समय, मिंटो, ठीक है। नेक्स्ट 1917 में सैंडलर आयोग, इसमें कौन है, चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड। 1917 में इसका कार्य क्षेत्र क्या था, केवल और केवल कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लाया गया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लाया था, लाया गया था। हालांकि इसने क्या, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर भी क्या है, अपने विचार दिए, अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है, सेंट्रल आयोग ने। इसमें भी दो भारतीय को नियुक्ति की गई थी, इसमें दो भारतीय कौन थे, पहला सर कलकत्ता से, कलकत्ता से रिलेटेड कोई व्यक्ति होगा, आशुतोष मुखर्जी, कौन, आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी, और दूसरे इसमें भी मुस्लिम वर्ग होगा, हिंदू मुस्लिम लेके चल रहे हैं सबको बराबर, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। तो थॉमस रैले आयोग में गुरुदास बनर्जी, हुसैन बिलग्रामी, और सेंट्रल आयोग में आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ओके। और इसी सेंट्रल आयोग की सिफारिश पर जो हम आज देखते हैं, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन के बीच में इंटरमीडिएट जोड़ा गया है, तो किसकी सिफारिश पर है, सेंट्रल आयोग की, इंटरमीडिएट जोड़ा गया, ठीक है, 12th class 11th और 12th, पहले क्या था, 10th के बाद सीधे ग्रेजुएशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, कुछ भारतीय भी काम करेंगे शिक्षा प्रचार से रिलेटेड, सबसे बड़ा नाम वर्धा प्रस्ताव 1937, महात्मा गांधी, ठीक है। और इस वर्धा प्रस्ताव जो पेश किया गया वो किसके द्वारा किया गया, भारत में, और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं, मुस्लिम है,
जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, राधा कृष्ण का भी नाम आएगा, राधा कृष्ण आयो, ठीक है। जाकिर हुसैन द्वारा क्या है, वर्धा प्रस्ताव पेश किया जाता है महात्मा गांधी की द्वारा लाया जाता है वर्धा प्रस्ताव। इसमें क्या प्रस्ताव था कि जो 7 वर्ष की उम्र तक के बच्चे हैं, मतलब 7 इयर्स तक, उनको जो शिक्षा दी जाए किसमें दी जाए, मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में, यानी जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है उस क्षेत्र में क्या है, उनको 7 वर्ष की उम्र तक मातृभाषा में क्या है शिक्षा दिया जाए, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्धा प्रस्ताव। सार्जेंट योजना, शिक्षा सलाहकार थे सार्जेंट, 1944 में लाया जाता है सार्जेंट का, ठीक है। इन्होंने एक मेन सिफारिश की क्या, लड़कियों के लिए, आज देखते हैं हम लोग क्या, गृह विज्ञान, होम साइंस, ठीक है। तो लड़कियों के लिए होम साइंस सब्जेक्ट जोड़ने की बात किस आयोग द्वारा की गई थी, सार्जेंट योजना 1944। अगला काम ताराचंद कमेटी, इलाहाबाद हॉस्टल में पढ़ेंगे तो एक हॉस्टल का नाम, विंग का नाम क्या, ताराचंद हॉस्टल, काफी फेमस है वहां से, ठीक है। ताराचंद कमेटी, ताराचंद कमेटी किसके लिए थी, प्रारंभिक प्लस माध्यमिक शिक्षा के लिए ताराचंद कमेटी का गठन किया गया था कांग्रेस द्वारा, ओके। राधा कृष्ण आयोग भी कांग्रेस, 1947 में भारत सरकार, यह क्या, भारत का पहला स्वतंत्र, भारत का पहला शिक्षा आयोग, ठीक है, याद रखेंगे इसको, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग राधा कृष्ण आयोग 1947, बाद में भारत के राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। राधा कृष्ण आयोग 1948 किस लिए था, ये HIGHER हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए क्या था, राधा कृष्ण आयोग का संबंध हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, न कि प्राथमिक शिक्षा या साउथ इंडियन लैंग्वेज बात न करें, ठीक है। और इसी आयोग की सिफारिश पर जो आज हायर एजुकेशन सारे कंडक्ट कराती है, वर्ष में 2 बार एग्जाम लेती है, नेट GRF के लिए किसकी स्थापना की जाती है, UGC की 1953 में, हालांकि गठन 1953 में होता है लेकिन UGC एक्ट 1956 में लाया जाता है, ठीक है। तो UGC का जो गठन किया गया राधा कृष्ण आयोग 1948 के सिफारिश पर ही की गई थी हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ओके, ठीक है। NCERT का स्थापना कब की गई, 1956, नहीं NCERT याद रखेंगे 1961, ठीक है, 1961 में NCERT किताबें पढ़ते हैं। मुदलियार आयोग, मुदलियार आयोग भी भारत सरकार द्वारा 1952 में, यह थी सिर्फ माध्यमिक शिक्षा पर विचार करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, मुदलियार आयोग 1952 माध्यमिक शिक्षा पर विचार करने के लिए क्या है, भारत सरकार द्वारा गठन किया गया मुदलियार आयोग, ठीक है। उसके पहले 1949 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, इसके भी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949 में जो गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। उसके पहले बात करें यहाँ पे 1920 में क्या है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भी क्या है स्थापना की जा चुकी थी पहले ब्रिटिशर्स द्वारा, ओके। बाद में क्या 1966 में भी आता है शिक्षा नीति, 64 में कोठारी आयोग 1964 में, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है कोठारी आयोग, याद रखेंगे कोठारी 1964 आई थिंक, चेक कर लेंगे। फिर 1986 में क्या आता है, शिक्षा नीति आती है, ओके। और अभी हाल ही में क्या है, नई शिक्षा नीति
सुनिए सुनिए 2020 लाई गई, ठीक है। तो इस तरह क्या है, आधुनिक भारत में जो क्या है शिक्षा का प्रसार की बात की हमने, ओके। नई शिक्षा नीति किसी दिन और वीडियो देख लेंगे पूरा बढ़िया से। तो ये सिर्फ हिस्ट्री की बात की हमने 1948-64 तक आज की क्लास में, ठीक है। और एक रियासत थी बड़ौदा रियासत 1906 में, वो पहली रियासत थी जिसने क्या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अपने राज्य में लागू की थी, इसको याद रखेंगे। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने वाला पहली रियासत भारत में बड़ौदा रियासत गुजरात, ओके। तो ये सारी बातें फैक्ट्स हो गए हमारी मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड, एजुकेशन एक्सपेंशन से, शिक्षा प्रसार से। कल बात करेंगे हम समाचार पत्रों का इतिहास ब्रिटिश राजकाल में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।